हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा दी रूल को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। खबरों की माने तो पुष्पा दी रूल की स्क्रिप्ट अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच गई है। इसी महीने के एंड तक फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और फिल्म के मेकर्स पुष्पा दी रूल की शूटिंग 15 अगस्त के बाद यानी कि अगस्त के एंड में स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द फिल्म के और कलाकारों का नाम अनाउंस किया जाएगा। जहां पहली फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ था, वहीं दूसरे पार्ट को करीब 350 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। जी हां, अल्लू अर्जुन ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है। खबरों की माने तो पुष्पा दी रूल के लिए उन्होंने 90 करोड़ के साथ फिल्म के प्रॉफिट में भी हिस्सा मांगा है। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार, जिन्होंने पहली फिल्म के लिए 18 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, इस बार उन्होंने 40 करोड़ की डिमांड की है। देखो, सबको पता है कि भाई पहली फिल्म हिट हुई थी तो आने वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और भी ज्यादा कलेक्शन करेगी। कोई शक नहीं है कि फिल्म 1000 करोड़ क्रॉस कर जाए, तो जाहिर सी बात है मौके का फायदा हर कोई उठाता है। देखते हैं ये सिक्वल फिल्म कैसी जाती है। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी में से कंगना रनौत का फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ एक छोटा सा ग्लिम्स भी रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी देश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। कंगना रनौत इंदिरा गांधी के रोल में नजर आ रही है। कंगना रनौत ही फिल्म को डायरेक्ट कर रही है और वही फिल्म के लीड रोल में भी नजर आएंगे। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म 2023 में रिलीज होगी। आने वाले कुछ दिनों में फिल्म के और कलाकारों की घोषणा होने वाली है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना मैडम नहीं सर कहते हैं। जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म गुड लक जेरी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। ये क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसमें जानवी कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। ट्रेलर ठीक ठाक है जिसमें कॉमेडी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी नजर आ रही है। हाँ, दीपक दोबरियाल की कॉमेडी अच्छी लग रही है। तो अब देखना होगा कि जेरी, जिसने गुंडों के इतने सारे ड्रग्स चोरी कर लिए हैं, अब उसके साथ क्या होगा। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर 29 जुलाई को रिलीज होगी। ये क्या है? ड्रग्स ड्रग्स इतना भर के मेरी बहन पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड फिल्म आड़ू जीवथम की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था, लेकिन दोबारा से फिल्म की शूटिंग अप्रैल में स्टार्ट हुई थी और आज फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। ये एक एपिक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म भी इसी साल रिलीज होगी। ब्लैक पैंथर फिल्म में काबी और टिचाला के सबसे अच्छे दोस्त का रोल प्ले करने वाले एक्टर डेनी कलुया ब्लैक पैंथर के दूसरे पार्ट में नहीं नजर आएंगे। खबरों की माने तो नॉप फिल्म की शूटिंग के क्लैश की वजह से उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया था, तो अब डेनी कलुया भी ब्लैक पैंथर के दूसरे पार्ट में नहीं है। ब्लैक पैंथर का ये दूसरा पार्ट 11 नवंबर को रिलीज होगा। डेविड गॉर्डन ग्रीन की तीसरी हॉलोवीन फिल्म हॉलोवीन एंड्स का ट्रेलर 20 जुलाई को रिलीज होगा। ये हॉलोवीन फ्रेंचाइज की 11वीं फिल्म है जो 14 अक्टूबर को रिलीज होगी। खबरों की माने तो वरुण तेज की अगली फिल्म साहू के डायरेक्टर सुजीत के साथ हो सकती है। खबर आ रही है कि फिल्म को मैत्री मूवीज प्रोड्यूस करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है। ओवन विल्सन की अपकमिंग फिल्म सीक्रेट हेडक्वार्टर्स का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ है। ये एक सुपर हीरो फिल्म होगी जिसमें ओवन विल्सन सुपर हीरो के रोल में नजर आएंगे। फिल्म 5 अगस्त को रिलीज हो रही है, लेकिन अभी तक फिल्म का ट्रेलर नहीं आया है, तो देखते हैं इस नए सुपर हीरो फिल्म का ट्रेलर कब तक आता है। सिल्वेस्टर स्लॉन की अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म समारिटन का भी फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है। ये भी एक सुपर हीरो फिल्म है जिसमें सिल्वेस्टर स्लॉन लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 22 अगस्त को रिलीज होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों सुपर हीरो फिल्में हैं, ना ही डीसी की हैं और ना ही मार्वल की हैं। तो अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो ये दोनों सुपर हीरो फिल्में कुछ खास हो सकती हैं। जैसे ही ट्रेलर आएगा हम आपको सोशल मीडिया पर बता देंगे। वूड सिलेक्ट की तरफ से एक नई सीरीज की घोषणा की गई है। सीरीज का नाम मुनीस की शादी रखा गया है। ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज होगी जिसमें अभिषेक बनर्जी और बरखा सिंह अहम भूमिका में नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स की जॉम्बी हॉरर थ्रिलर सीरीज रेसिडेंट एविल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। टोटल 8 एपिसोड हैं जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी और तमिल में देख सकते हैं। तो रेसिडेंट एविल सीरीज आप सबको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।